अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू दाल। खाना बनाने के साथ साथ मैंने सोचा है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन भी आप लोगों से करवाती चलूँ। मेरा नाम जरी है और मुझे इधर जर्मनी में रहते हुए 20 साल हो गए हैं। मैं एक माँ होने के साथ साथ एक वर्किंग वूमेन भी हूँ और मेरे 2 बड़े बच्चों ने इस साल अबीटूर किया है। जो लोग इधर जर्मनी में रहते हैं उन्हें पता है कि अबीटूर क्या है, लेकिन इंटरनेशनली अबीटूर जो है वो ब्रिटिश ए लेवल के बराबर है। मैंने मसाला भी साथ भूनना शुरू कर दिया है जैसे कि आप लोगों ने देखा है, और एक साइड पे मैंने दाल बॉयल होने के लिए रख दी है, और साथ ही मैंने मुझे देसी घी ख़त्म हुआ हुआ था वो भी मैंने रख दिया है, वो भी साथ ही रेडी हो जाएगा। मैं ऐसे ही काम शुरू करती हूँ, 2-3 काम एक ही दफ़ा शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं खड़ी हूँ तो फिर मेरा दिल होता है कि साथ साथ सारे काम ख़त्म होते जाएं। जैसे ही मसाला भुन जाएगा तो इसमें मैं सब्ज़ी डाल दूँगी और दाल डाल के तो मैं इसे और अच्छी तरह से भून लूँगी। इसके मसाले के अंदर मैंने 3 लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाला है। इसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे अच्छा लगता है भुनी हुई सब्ज़ी में। इधर देसी घी भी तैयार होने वाला ही है। खाना बनाने के बाद मैंने ग्रॉसरी के लिए निकलना है और साथ ही बच्चों की दोबारा से स्कूल खुलने वाले हैं तो उन्हें कुछ कापियाँ पेंसिलें वगैरह चाहिए, वो हमने लेनी है। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि बाहर निकलने से पहले खाना कम अज़ कम मैं रेडी करके निकलूँ ताकि आके कुछ ना करना पड़े। ये देखें, देसी घी भी तकरीबन तैयार हो गया है, इसे मैंने छान लिया है, और ये हंडिया भी मेरी तकरीबन पक ही गई है। इसमें मैंने थोड़ी सी मेथी और एक हरी मिर्च डाल के तो इसको फाइनल टच दे दिया है। अब मैं जा रही हूँ बाज़ार। बच्चों के स्कूल की चीज़ें लेनी हो तो मैं हमेशा इधर आती हूँ, ये बेहतरीन जगह है। इधर आपको एक ही छत के नीचे हर चीज़ अवेलेबल है, आपको पेन से लेके स्कूल बैग तक हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। इधर हमें स्कूल की तरफ से एक लिस्ट मिलती है जिसके मुताबिक हमने चीज़ें लेनी होती हैं। इवन उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि कौन से ब्रांड की पेंसिलें लेनी है आपने, क्योंकि बच्चों की, ताकि उसके ऊपर ग्रिफ सही तरह से आए। बुक्स हमें इधर स्कूल की तरफ से मिलती हैं जो कि साल के एंड पे हम लोगों ने वापस करनी होती हैं, और बच्चों के लिए पेरेंट्स ने सिर्फ कापियाँ और पेंसिलें और पेन वगैरह इस तरह की चीज़ों का अरेंज करना होता है। जो मैंने इतनी चीज़ें खरीदी हैं उसकी इन्हें पता नहीं खुशी हुई है या नहीं, लेकिन ये जो उनकी तरफ से इन्हें तोहफा मिला है उसे ये लेके बहुत खुश हैं ये दोनों। हम अभी बाज़ार में ही थे तो घर से फ़ोन आया है कि ब्रेड ख़त्म है तो वो लेके आनी है, तो उसके लिए अब हम लीडल पे आए हैं। तो मैंने ब्रेड लेने के साथ साथ ताज़ा फल और सब्जियां और एक दो और चीज़ें भी ट्रॉली में रख ली हैं। यहां से फारग होकर अब हम घर की तरफ जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें आप लोग इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।